ओम शांति। आज बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। कौन सा धंधा? सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता दिखाना है। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? कौन सी सूक्ष्म बातें? तो आज बाबा ने 2 बातें बताई। पहला है, सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरी पॉइंट है, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। ये भी सूक्ष्म बात है कि शिव बाबा की तो बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना सिर्फ हम ब्राह्मण हैं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। शरीर के लिए तो भोजन तैयार करते हैं, लेकिन ये ज्ञान की ऐसी गहरी बातें, ये बुद्धि का भोजन है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच्य। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच्य नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच्य कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच्य। मनुष्य तो कह देते, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है ना। 3 का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का, विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम, प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है, ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं शिव के, वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन, आपे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का, 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसीलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य समझा न सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच्य राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही
बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, पर क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है, ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा, उनकी रचना को सालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं, शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना, शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पार अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, और फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमद पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे, तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है, तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना, और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे, ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे बदल देंगे, ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है ना, एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, वे कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक, चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है, मुट्टा अर्थात थोक अथवा सारा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेज गाड़ी किनको मुट्टा देते हैं, कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाप है ब्राइडग्रूम, तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्टे में दे देते हैं।
मुट्ठा यानी होलसेल में दे देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो, मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है, फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा मध्याजी भव, तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति, शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं, यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है, समझना है। भाई भाई की दृष्टि है, बाकी किसी को बाबा कहते हैं ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमको पढ़ाते कौन है, शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है, विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है, ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे, त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर, थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीबी, इनके बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे। आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है, देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलमिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंख खोलने से थोड़े ही हो सकता। जब स्वर्ग गुम हो जाता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है, तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं, गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई,
अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल रहता है ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ। बनाने में टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर लूट कर ले गए, फौरन तो नहीं आए होंगे। मंदिर बहुत होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है, बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है दिन प्रतिदिन। बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे, पहले क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको ये सुनाए तो तुम समझ ना सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देहाभिमानी बन जाते हैं, सतयुग में होते हैं आत्माभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये शरीर छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई कोई 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर भी केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। वे तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं, पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपए। पैसा बहुत है तो हबज हो जाती है, गरीबों को पैसा ही नहीं तो हबज भी नहीं। वे सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। प्रजा भी ऐसी बनती है, पति
परंतु ऐसे भी नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ब्रह्मा की रचना आपस में भाई बहन हैं। ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हबज छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसीलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है सत्यता की विशेषता से, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। कौन से डायमंड की? कि मैं आत्मा हीरा, तो आत्मा हीरा तब चमकेगा जब सत्यता होगी सच्चाई होगी। तो इस सत्यता की विशेषता को बढ़ाना है। अच्छा ओम शांति।